एटीएम मशीन में काम होने के लिए यहाँ पर एक ज़रूरत होता है एक प्रोग्राम, जो कि मैं आज आपको सी लैंग्वेज में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, वो एक बहुत आसान है जिसके मदद से बहुत सारे आप ऑप्शन मिल सकता है और वहाँ से आप आपका काम कर सकते हो। तो आइए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। आपको पहले एक न्यू फाइल ले जाना है, उसके बाद यहाँ पर फाइल पर जाके उसको सेवेज कर देना है, कोई भी नाम दे देना। मैंने यहाँ पर एटीएम के नाम दे देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, सी के लिए हमें पहले यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है, यहाँ पर हेडर फाइल होता है। उसके बाद इंड मेन फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है। यहाँ पर हम फ्लोट लेंगे एक्स एंड वाई। एक्स होता है आपका इनिशियल अमाउंट के लिए और वाई होता है आपका क्रेडिट और डेबिट करने के बाद जो अमाउंट होता है उसके लिए। दो में काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट करना है एंटर द इनिशियल अमाउंट, आपका अमाउंट कितना है पहला। ठीक है, आप तो अगर एटीएम पर घुस जाते हो तब आपका जो बैलेंस आ जाता है वो होता है आपका इनिशियल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको डिक्लेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जितना ऑप्शन है उसको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। यहाँ पर आपका सी के लिए सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट एंड बी फॉर बैलेंस, इतना ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा जो कि एटीएम मशीन पर, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद स्कैन एफ बेसलस एन परसेंटेल सी एंड सी एच। उसके बाद यहाँ पर स्विच कैसे यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपका कैश, जितना कैश है यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, कैश सी। ठीक है, ये आपका क्रेडिट के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको प्रिंटअप करना है एंटर क्रेडिट अकाउंट, आपका कितना पैसा क्रेडिट करना चाहते हो यहाँ पर आप एंटर करना है आपको। ठीक है, उसको डिक्लेयर करना है। अमाउंट क्रेडिट करने के बाद आपका मेन अकाउंट होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स आपका इनिशियल अमाउंट है और उसके बाद जो आता है वही आपका क्रेडिट अमाउंट है। उसके बाद जो बनता है वो जाए आपका फुल इनिशियल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपका जो आएगा निकल का आएगा वो आएगा न्यू अमाउंट जो होगा एक्स। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक, उसके बाद आएगा कैश डी, डी फॉर डेबिट। यहाँ पर आपको प्रिंट अप करना है एंटर डेबिट अकाउंट, कितना पैसा आप उठाना चाहते हो। लेकिन कभी कभी यह होता है कि अगर आपका पैसा कम है लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट लगाते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर एक इफ फंक्शन यूज करेंगे, इफ एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई से ज़्यादा होता है या फिर सेम होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिंट अप न्यू अमाउंट,
उसके बाद यहाँ पर आपको एल्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एल्स यूज करने के बाद वहाँ ऊपर इफ था, नीचे एल्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रिंट एफ में क्या लिखना है, अगर आप ऐसे ज़्यादा पैसा अगर आप क्रेडिट करना चाहते हो, डेबिट करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस इन योर अकाउंट। इसका मतलब आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, ठीक है, जितना आप डेबिट करना चाहते हो। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद कैश बी, ठीक है, बी आपका बैलेंस। मतलब आप अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बी प्रेस करना पड़ेगा, प्रिंट एप में आएगा अकाउंट इन योर अकाउंट, सॉरी बैलेंस इन योर अकाउंट। उसके बाद ब्रेक, ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद प्रिंट एप में रहेगा चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑपरेशन। यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है आपका प्रोग्राम। उसको हमें ध्यान से दिखना है कहाँ पर क्या यूज हुआ है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो आप कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर क्या आता है क्या नहीं। एंटर इनिशियल अमाउंट, आपको पहले यहाँ पर आपको इनिशियल अमाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड यूज करने के बाद वो आपका आ जाता है अपने आप, लेकिन यहाँ पर आपको इनिशियल अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 5000 ले लिया। उसके बाद देखिए सब आपका आ जाता है ऑप्शन, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट, बी फॉर बैलेंस, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सी टाइप करना है क्योंकि मुझे क्रेडिट करना है कुछ अमाउंट, देखते हैं वो आता है कि नहीं। मैं यहाँ पर सी एंटर क्रेडिट अमाउंट, आप कितना यहाँ पर क्रेडिट करना चाहते हो, यहाँ पर आपको डालना है 3000। देखिए आपका न्यू अमाउंट आ जाता है 8000, ठीक है। आपका इनिशियल अमाउंट है 5000 और आपका क्रेडिट अमाउंट है 3000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, फिर से हम उसको रन करते हैं। यहाँ पर आपको पहले इनिशियल अमाउंट लिखना है, उसके बाद डी फॉर डेबिट, एंटर डेबिट अमाउंट, यहाँ पर लगता है कुछ गलती हो गया है, डी फॉर डेबिट। हम देखते हैं कैश डी पर क्या गलती हो गया, शायद यहाँ पर आपका कैश डी है, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर, यहाँ पर मैंने स्कैन एप छोड़ दिया है, उसको डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए वहाँ पर गलती दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्कैन एप लगाना है। परसेंटाइल लेफ्ट एंड वाई, मुझे लगता है यहाँ पर सब कुछ हो गया है सही। नीचे देखते हैं सब सही है, ठीक है। यहाँ पर इफ एल्स सब कुछ लगाए, अब हम देखते हैं उसको रन करके आ जाता है एंटर इनिशियल अमाउंट। मैंने यहाँ पर 17 ले लिया, ठीक है। उसके बाद डी प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ जाता है एंटर डेबिट अमाउंट, ये आपका सही हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ को यहाँ पर कुछ अमाउंट लिख देना है 50000, यहाँ पर देखिए बाकी जो आ जाता है 20000 आ जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, पहले मैं यहाँ पर इनिशियल अमाउंट, उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर डेबिट अमाउंट, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर सफिशेंट बैलेंस जो ऑप्शन था वो आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इनसफिशेंट बैलेंस इन योर अकाउंट आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अगर आप अगर बैलेंस चेक करना चाहते हो, यहाँ पर आपको बी टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर बी टाइप करने के बाद देखिए आपका अमाउंट इन योर अकाउंट जितना है उतना आ जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये जो सारी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। धन्यवाद।